अपने शब रोज बताता चलूं मैं, जो भी आ जाए मुयसर वही खाता चलूं मैं। एक तरकीब मेरा खर्च घटा दे शायद, सब्जियां घर की क्यारी में उगाता चलूं मैं। हुकूमत तो पल्ला नहीं पकड़ा रही, लेकिन अब आ रहे हैं वासे चौधरी। हमारे देखने और चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो कमाल लग रहे हैं आप। कैसर पिया साहब, थैंक यू बॉय। ये वही वाला जो आप छोटे वाले बेटे के लिए लेकर आए थे? जी, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया, माशाल्लाह एंकर हो गया अब तो। जब बेटा इतना बड़ा हो जाए तो फिर अब्बू का फौत हो जाना पड़ता है। बेटा नेक है, अबू 10 साल कटेगा। जो है सदका जारिया होती है, आप अपना काम जारिया रखें। जारिया रखें। खासतौर पे मैं कराची से ज्वाइन किए हुए एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर, जिनको हम बहुत से ड्रामों के लिए देख चुके हैं, और जब आते हैं तो फुल जम के अदाकारी करते हैं। ये इनके बारे में कमाल बात है, कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, ही ऑलवेज प्रूव टू बी अ ग्रेट एक्टर। आप सबकी तालियों में जनाब इमरान असलम। कराची तशरीफ लाई हुई हैं, सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं, कोक स्टूडियो में आप उनको बहुत दफा देख चुके हैं, मोहतरमा नताशा बेग। वेलकम टू द शो सर। बड़े अरसे से आपका इंतजार था और आज बिलाखिर आप आ गए, और मैं एक शेर लाया हूँ जी मैडम के लिए। तशखीस वजह है कि मुझे इश्क हुआ है, इश्क हुआ है। तशखीस वजह है कि मुझे इश्क हुआ है। नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात मुसलसल मुसलसल, और कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नजर में, नजर में कांटों की तरह हूँ मैं रकीबों की नजर में। रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल मुसलसल। तो जी मेरा भी शेर इश्क तो ही है। बेग साहबा, मैं इश्क च पुछया जहर कोलों असर किन्ना कु हुंदा है जहर दे विच। जहर दे विच, हां हां बाबा। मैं इश्क च पुछया जहर कोलों असर किन्ना कु हुंदा है जहर दे विच। मेरे एक मैसेज ते सड़ जांदे तेरे जिन्ने भी सके ने शहर दे विच। शहर दे विच, मुझे मत रोको मुझे दूर जाना है, दूर जाना जा, है जा, 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 बेगम के लिए जरूरी सामान लाना है। ये मेकअप नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक डांस सा चेहरा है जिसे हूर बना। जब ये प्रोग्राम देख रहे हो तो भाभी भी उनमें शामिल हो और साथ बैठे हुए हो उनके। जी क्या हाल है इमरान आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नताशा आप सुनाइए। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा। सो यू हैव एन आइडिया? जी वी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द शो राइट। मगर आप आए होंगे, आपको कोई जानने वालों ने बताया होगा कि मैं इस शो पे गया था या गई थी, तो कोई किसी ने कोई नुस्खा दिया आपको? नहीं, उन्होंने कहा जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा, आप लोग तैयार हैं मेंटली? जी जी, माशाल्लाह। तो देखो ना, एक्टर लग ही रहे ने, लग रहा है कि ज़ैबरे बनता भी है। सॉरी कहना, आपने किस मुंह से उनको ये बात की? मुंह से देख के CNN देखना जे, यकरम से देखना। इनके भी बाल है लेकिन घर में अच्छे लग रहे माशाल्लाह। उधर
दोबारा करिएगा। पंजाबी वाले बाल ही तो छोटे छोटे बाल। यार मुझे कसम से शक होता है कि आप फैसलाबाद से जब आप ऐसी हरकत करते हैं। तुझे ना हस्पताल से काम कर कर मरीजों वास्ते जुगतां ठीक होंदी है। वैसे आपको कॉमेडी का शौक है? है किसी हद तक। किस हद तक? अगर अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो डेफिनेटली। अच्छा स्क्रिप्ट की हद तक है यानी कि करने का। अच्छा। और वैसे खुद कोई आपके वो नहीं होता कि कभी आप भी ट्राई करते हो? मजाक कर लेता हूँ मगर वो जो ये कमाल करते हैं वो हमसे नहीं हो पाता। दैट्स इट। आप कितना को करते हैं? थोड़ा सा को करके ट्राई करें जरा। वो डिपेंड करता है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इमरान क्योंकि जब भी मैंने आपको देखा है तो मोस्टली इट हैज बीन इन वेरी इंटेंस रोल्स। यस। जब भी कोई इंटेंस रोल होता है उसमें आप होते हैं। आई डोंट नो मे बी इट हैज टू डू विद योर आईज और योर फीचर्स कि आपको एक वो कहते हैं ना मैं टाइप कास्टिंग तो नहीं कहूँगा मगर वो ये है कि उनको होता है कि इमरान है तो वो इंटेंस रोल ही करना है। वो एक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर एक शायद छाप लग गई कि जरा से मुश्किल कैरेक्टर हो तो इससे करवा लो। एक एज सर्टन ग्रुप में जब मैं तो कभी दिल खराब होता है जब सामने वाले को देखते हैं वो आसान वाला कर रहा हो कि यार मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है। किया था आसान वाला मजा नहीं आया। नहीं आया मजा नहीं। वापस आ गया। वो वापस आ गया। मैंने कहा मुश्किल वाला ही दे दें। यूजुअली होता भी है ये स्क्रिप्ट आता है तो वो मेरे पास ऑप्शन होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है ये वाला भी है ये वाली भी। पर्सनली वांट कि आप ये वाला करें तो मैं पढ़ता हूँ तो फिर मैं डिसाइड वही करता हूँ। मतलब आपको पर्सनली जिंदगी में मुश्किलें पसंद है? कैरेक्टर्स की हद तक। ये तो किसी शादी का जाम तो दूल्हे ने कहना कोई ऐसी गल करो मैं रोना है। माशाल्लाह नताशा जी देखो तुम असं मजाक रात बुलाया से 14 अगस्त मना गए। क्या मतलब है यार रुदारा उन्हें कहते वन भी लिखना शुरू कर देनी। अरे नहीं यार नताशा आपको इनकी बातों की समझ आ रही है? जी बिल्कुल। आपने अभी तक जूती क्यों नहीं उतारी फिर? नहीं नहीं मैं शो पे हूँ ना और मैं इज्जत बहुत करती हूँ सबकी। ये क्या बात हुई? और मैं नहीं हूँ ना अभी। सारी जिंदगी इज्जत करनी आपने तो। हम सीनियर है ना। बट यू डू गेट व्हाट दे आर सेइंग? आई डू लाइक मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ता है फिर जाके समझ आती बात। अभी मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ इनकी बात। आपको पंजाबी नहीं आती? आती है समझ में। पंजाबी में गाती भी आप उर्दू में कुछ करके दिखाइए। लेकिन जब एक्सेंट होता है ना आप लोगों का इतना मजे का वो एक्सेंट जब आ जाता है तो उर्दू में जुगत नहीं कर सकता बस उर्दू में जिंदगी। और जुगत है ही क्या पंजाबी के बगैर? जुगत तो पंजाबी है। इतनी बड़ी बात है यार आप उर्दू में ट्रैक। सर मैंने की तो है भी करते हैं। आपने उर्दू में फिल्म कर ली आप जुगत नहीं कर सकते? सर देखो ना उर्दू जो तुम फिल्म करोगे तो फिर तुम दूजी नहीं मिलेगी। उर्दू फिल्म की थी ना जबान चली ना ही फिल्म चली। अच्छा आप मूवीज देखती हैं? जी बिल्कुल देखती हूँ। एक फिल्म आई थी लोड वेडिंग? जी बिल्कुल देखी थी। आपको उसमें फहद मुस्तफा का काम कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। मैं विषयात का कैसा लगा था? बहुत अच्छा। नूर हसन साहब भी थे उसके अंदर या वो दाढ़ी दाढ़ी उनकी हल्की थी है ना? याद है आपको? समीना अहमद साहिबा थी उसके अंदर। जी जी जी। और तो कोई ऐसा नहीं था ना जिसके को काम देखने। ओ आप थे ना उसमें? नहीं वो जो बात उन्होंने छुपाने की बोली थी आपने सबको बता दी। यस हां हां श्री को कैसर पिया। इस मौके पर हम इस्तेमाई दुआ करेंगे कि हमें वो एक शख्स मिल गया पाकिस्तान में जिसने कैसर पिया के अलावा ये फिल्म देखी थी। लेकिन अल्लाह का एक करम हो गया कि आज पता लगा पाकिस्तान के फरिश्ते भी रहते हैं। देखो वो मान गए ना वो पल्लेओं चैनल नु पैसे देके आई शोर पीड़ चलवाई जा। जोक्स असाइड लोड वेडिंग वाज अ वेरी गुड फिल्म और बड़ी जबरदस्त कॉज के ऊपर थी और उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त काम भी इन सारे एक्टर्स जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने भी किया हुआ था। तो आप प्लेबैक सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल हूं बिल्कुल। आपने ट्राई किया अभी तक या नहीं? अभी तक मैंने दो फिल्मों में ट्राई किया है और कोशिश है कि मतलब और भी आगे फिल्मों में गाऊं। ज्यादातर शौक वैसे मुझे लाइव शोज करने का है स्टेज पे और प्लेबैक इज आल्सो अमेजिंग क्योंकि जब फिल्म आती है तो आप उसका पार्ट महसूस करते हैं तो क्यों नहीं। But what attracts you more, singing in Coke Studio or playback singing? I would say Coke Studio. Coke Studio, ठीक है. Coke Studio के अंदर ज़्यादा आता है मज़ा. हाँ मुझसे बात करती हैं आप Coke Studio की बात कर रही. मेरा पहले सोडा वाटर स्टूडियो होता था. तो किसे आलचनी से उन्दा खोता रेडी दे उन्दा से. चलो. Turkey. बोलेगा
तुम यार कराची से मेहमान है, उनके सामने तो मेरी इज्जत रहने दो। आपकी इज्जत है ना हमारे दिल में, आपकी इज्जत दिल में नहीं चाहिए, मुझे शो में चाहिए। इस शो की वजह से आपकी बहुत इज्जत है। नहीं मगर ये देखिए, आपने कभी देखा किसी होस्ट के साथ ऐसा सलूक होते हुए? आप बताएं इमरान, आप तो इतने शोज में जा चुके हैं, मैंने कभी देखा कि निदा यासिर के साथ ऐसा हो रहा हो? नहीं मैंने इसी शो पे देखा ऐसा होता है। ये एक ही है जिसके ऊपर ये हो रहा होता है होस्ट के साथ कि मैं खुद नहीं बच पाता तो मैं आप लोगों को क्या बचाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ। मगर आपने तो फिल्म टेलीविजन पढ़ा भी है। बिल्कुल पढ़ा है मैंने। तो एक्टिंग वगैरह का शौक उस तरह से नहीं हुआ, आपने थोड़ा हल्का सा ट्राई किया और फिर आप भाग गई? इट्स लाइक कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है तो डायरेक्शन साइड पे पढ़ा है ज़्यादातर, लेकिन कह सकते हैं कि बचपन में शौक था ये एक्टिंग वैक्टिंग का, क्योंकि मैं अक्सर मिरर के सामने अजीब अजीब एक्सप्रेशंस के साथ चीज़ें कर रही होती तो थी। बड़े होके क्या हुआ? तो बड़े होके फिर ये हुआ कि पता नहीं अचानक से म्यूज़िक ने उससे ज़्यादा प्यार हो गया मुझे, तो अब म्यूज़िक ज़्यादा मुझे मतलब भाता है। एक्टिंग इज़ नो डाउट इज़ एन अमेजिंग जॉब और सबसे मुश्किल काम है, हम ये बात कर भी रहते हैं कि एक्टर्स को सलाम है क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है सेट पे उनको, बहुत मेहनत होती है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई एम नॉट एक्टिंग बिकॉज़ आई कांट वेट इन द मेकअप रूम। आपको म्यूज़िक से प्यार है? म्यूज़िक से प्यार है। मेरी अम्मी मुझे ना कैसर म्यूज़िक म्यूज़िक कहती है। लिखा बेरोजगार क्या करूं, अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं, पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो आ मैं शायद आते मैं फिल्मा देखना। अच्छा उन्हां दा गाना चलावा है, चलावा कभी आया कभी जाया, अगो नहीं आंदा मैंने। जिन्ना आंदा होई अगो तो कुछ आवे ते नहीं ना रहा। वेलकम बैक टू मजाक रात। इमरान ये बताएं, अब आप देखते हैं इतने यंगस्टर्स आ चुके हुए हैं, नॉट दैट कि आप खुद इतने पुराने हैं, मगर अब जो मैं बात कर रहा हूँ पिछले तीन एक साल चार साल में एक बहुत बड़ी खेप आई है नहीं, और मुझे कहीं पे ये लगता है कि उन यंगस्टर्स का ज़्यादा जोर सोशल मीडिया पर है एज कम्पेयर टू ऑन द स्किल सेट दैट दे आर डिस्प्लेइंग इन द प्लेस। आई बिलीव टाइम हैज चेंज। मगर यार ड्रामे में तो आपने एक्टिंग दिखानी है, तस्वीर काम नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है वो ड्रामे में एक्टिंग नहीं दिखा रहे होते? मगर क्या आपको लगता है कि वो उतनी ही डेडिकेशन से एक्टिंग कर रहे हैं, वरना हर ड्रामा क्यों नहीं मेरे पास तुम हो बन रहा? ड्रामा आपके पास तकरीबन 70-80 सीरियल चलता है साल में जनाब, तो उनमें से कितने आपके स्टैंड आउट करके उस लेवल पे जाते हैं? आई बिलीव जैसे मैं भी जब आया था तो हमारा इंस्टीट्यूट तो है नहीं, कोई वी लर्न ऑन द जॉब। अब जो ये नई लॉट आई है अच्छे हैं, दे विल इवेंचुअली इंप्रूव आई बिलीव। मैंने भी जब मैं आया था, अगर मैं अब अपना पुराना काम देखता हूँ तो मुझे किसी वक्त शर्म आती है कि यार मैं यहाँ से चला था। वो एक और चीज़ है, मगर मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि अब ज़्यादा जोर हमारे विजुअल पे आ गया है। है सर, एज कम्पेयर टू द डिटेलिंग ऑफ द मे बी द कैरेक्टर या आपका स्किल सेट क्या है एक्टिंग के अंदर, उस पर इतना जोर नहीं है, बजाय इसके उस पर ज़्यादा जोर है कि सेट पर तस्वीर खींच के अच्छी लगनी चाहिए। उस पर फिल्टर कौन कौन सा यूज़ होगा ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? ये भी है, बट आई बिलीव काम पे डायरेक्टर का ज़्यादा इनपुट होना बहुत ज़रूरी है एक्टर को, बिकॉज एक्टर का जब सिंपल से अगर बात करूँ, एक्टर पानी की तरह होता है, उसको जिस सांचे में डालें उसी में ढल जाता है, तो डायरेक्टर का काम होता है कि एक्टर से काम ले। तो मसला डायरेक्टर्स के अंदर आ रहा है? डायरेक्टर्स भी एक्चुअली जो थे वो अब नए अपकमिंग आए हैं, दे आर इवेंचुअली इवॉल्विंग। वही बात, सभी नए हैं यानी सभी नए हैं, तो अभी वही बात है कि शुरू से काम शुरू हो रहा है शायद, बट आई बिलीव जितने भी लोग हैं इस वक्त काम कर रहे हैं प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉमिस तो ऑफ कोर्स है, मगर आपके ख्याल से फोकस भी सही जगह पे कर रहे हैं हम लोग? वही मैंने कहा ना, टाइम हैज चेंज, दो तरफ जा रहा है, मीडिया पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो आई डोंट नो, आई एम यूजुअली कंफ्यूज विद दिस सिचुएशंस। ठीक, आप मुझे बताएं नताशा कि डू यू थिंक कि एक मशहूर और हिट सिंगर बनने के लिए कोक स्टूडियो में होना जरूरी है? काफी अच्छा सवाल है आपका, रखा इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कोक, पहले तो मैं बहुत उस ब्रांड का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे रिवाइवल किया म्यूज़िक का, जब म्यूज़िक बिल्कुल हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा था या हो चुका था। जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जब मैंने कोक स्टूडियो किया था तो मैं लोगों को कहती थी कि जी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया ऑफिशियल सिंगर का। ये मैं अक्सर लोगों को कहती थी, क्योंकि लोग जो हैं वो उस नज़रिए से देखते हैं कि जब नया सिंगर कहता है कि मैं सिंगर हूँ, तो पहला क्वेश्चन आता है, हाँ आपका कोई कोक में गाना है?
तो दैट वॉज जिसका नहीं है उस आप बेचारे को क्यों ऐसा फील कराते हो कि सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म में जाके ही सिंगर हो वरना फिर हम आपको सिंगर नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे हाँ लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा है. ये लोग जो आप कह रही हैं ये इससे आप मुराद कौन से लोग हैं? ऑडियंस की बात ऑडियंस ये कहती है ऑडियंस एंड आई थिंक पीपल हु वुड लाइक टू गिव यू वर्क दे ऑल्सो वॉन्ट दैट सर्टिफिकेट ऑफ कोक स्टूडियो. अच्छा दैट देन दे कैन कॉल यू अप फॉर दैट. कोक स्टूडियो तो खुश है तुसी ऑर्डर करते मैं पूरा डाला ले आ देना. कोक स्टूडियो जो है वो कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टाइप की शक्ल इख्तियार कर चुका है. कोक ने असल में वो एक लेवल बना दिया है प्लेटफॉर्म दे दिया है कि मासेस देखती है. इतनी पेनिट्रेशन शायद किसी शो की नहीं होगी म्यूजिकल शो की जितनी कोक की है. क्योंकि मैं उमरकोट गई थी एक शूट के लिए वहाँ पर एक बंदा जिनके पास टीवी नहीं है उनको तक पता है कोक स्टूडियो क्या है. तो वो उनकी पेनिट्रेशन है मासेस की जिसकी वजह से आज एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ हुआ है. एक मतलब क्या बोलते हैं उसको एक लेवल बना हुआ है कि बस हाँ यही है. आई लव कोक इस मामले में. इमरान आपको है कोई सिंगिंग वगैरह का शौक? नहीं सुनने के अब तक. किसको सुनते हैं? अच्छा म्यूजिक सुनते हैं. अगर अभी कोई रिसेंट टाइम्स में आपको कोई पसंद आया हो जिसको आप बार बार सुनते हो? काफ़ी दिनों से कोई ऐसी चीज़ नहीं सुन पाया. क्यों? क्या फ़ोन की बैटरी वीक हो गई है? नहीं लिसनिंग में एक होता है ना कैची सॉन्ग होता है कुछ. हाँ, कोई कैची सॉन्ग नहीं रिसेंटली सुना? लास्ट कैची सॉन्ग कौन सा था जो आप सुनते भी थे और फिर गुनगुना भी लेते थे? सजाद भाई का था लास्ट. सजाद भाई का कौन सा? उनकी बेटी के साथ. अच्छा सजाद भाई के गाने पसंद हैं? आई लव हिम. सजाद भाई तो एक ऑल टाइम एक वो हैं. जरा सा भी दिल टूटे ना तो बंदा सजाद भाई की एल्बम लगा दे वो फिर आपको पूरा समुद्र की गहराइयों में छोड़ कर आते हैं. अब तुम डूब मर जाओ खत्म हो गई. How are you? You know, I am very happy today. How come? I'm going to Marihid with some of my friends during this snowfall. Oi, oi, oi. Othe mainu badi achhi deal mili hai. Acha? Unne keh par head 30,000 aayega. Acha? Te Naran, Kagan, Swat, te Jalam Baba jana hai. Jalam, Jalam Baba. Matlab Chappa. Oh, kehnde ne, this is a good hill. Yes, yes. Te kal ji assi ja rahe hain vaddi coach te. Aha. Te paise bhi main jama kar le. यार जबरदस्त. 730 रुपीस मेरे कोल ने. उन्होंने कहा 30,000 दे. तो बाकी के कहां से आएंगे? बाकी मैं कहा यू आर माय गुड फ्रेंड मगर तुसी मेरी हेल्प करोगे? मेरे पास तो 30 रुपए नहीं पड़े हुए इस वक्त. सो व्हाट शुड आई डू? मैं उन्होंने हां कर रहा हूं. यू कैन ट्राई. सो मेनी मैं तो दी ना दी वजह तो मैं कहा नो प्रॉब्लम आई विल बी देयर. भाजन भी आए ने. This is good guy. Yeah, he's good. Oh, vote tampa. Oh, vote tampa. नहीं मगर रुक जाओ. Oh, vote tampa. के ते मियां साहब ने वापस बुलाओ मियां. मियां देना. ये एक्टर है और वो सिंगर है. That looks like actor. Yes. ये ते लगते नहीं सियासी लोग. सियासी लोगों के चेहरे ते इतनी फ्रेशनेस होती नहीं. अच्छा. जी जी तू आधे चेहरे ते. हाँ और वो साथ नताशा बैठी हो तो कोक स्टूडियो में भी गाती रही. मैंने देखा है ना. अच्छा बड़े फेमस ने. यस ओके. चलावा है चलावा कभी आए कभी जाए. मैनू पसंद है गाना वो नहीं अपना. मैं वैसे याद दे मैं फिल्मा देखना. अच्छा उन्होंने गाना चलावा है चलावा कभी आए कभी जाए अगो नहीं आता मैनू. जिन्हें आना वही अगो तुम कुछ आवे नहीं ना रहा. कोई गल नहीं गड्डियां साफ करना. जे होए तो ठीक है ना भी होए तो फिर भी 150 तो दोगे. कोई नहीं तुहाडा मुंह ही फकीर वाला. राशा आपने अभी एक नई एल्बम बनाई है उसमें से अगर हमें कुछ सुनाए. हिट जा रहे हैं पाकिस्तान के ड्रामे. ये तो है महीने में ड्रामे काम करा.
ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਵਾਹ ਫਿਰੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਡੇਂਗੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਕੈਸੇ ਚਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਤੀ ਹੋ ਕਿਆ ਚਾਹਤੀ ਹੋ ਮੁਝਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਹਿਦੇ ਵਫਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਏਡੇ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਵਾਹ ਫਿਰੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਐ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਆਏ ਹਾਏ ਐ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖੀ ਘੁਮਾਣਾ ਤੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਡੇਂਗੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡੈਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਡੈਂਗੀ 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 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਰ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੇ ਬੀ ਅ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਓਏ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਾਇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਆਪ ਇਨਕੇ ਹੋਗੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਰੋਂ ਕਿਧਰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਲੂਕੋਸ ਨੇ ਗਲੂਕਾਰ ਹੈ ਗਲੂਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸਰ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਲਫੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਲਫੀ ਤਿੰਨ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਲਫੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਐ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ 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 ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹਾਏ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਢਾ ਲੈ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨੰਬਰ
क्योंकि चेहरा ही माशाल्लाह ऐसा है कितने किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फिलहाल फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब अदनान सदीकी और जनाब फैसल कुरैशी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब का। किन को आप मैसेज पे जवाब देंगे? फैसल कुरैशी साहब। फैसल कुरैशी। और किन को आप फोन बंद करके फिलहाल साइड पे रख रहे हैं? वो एक आखिरी ऑप्शन बचा है। वो कौन है? आपने ही बताया था, क्या था वो? हरीम फारूक। बस वही है। अदनान सदीकी साहब आप हैं वो। लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, 13-14 घंटे की, सात वाली सीट आपकी खाली थी। आप देखते हैं कुछ लोग आते और आए कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। अपने साथ 13-14 घंटे के लिए आप किन को बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान असलम और कैसर पिया। आपका अपना फैसला होगा, ये आपको ले जाओ। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जी हिबा, अजीब गरीब क्या है? जी आज की अजीब गरीब खबर ये है कि जर्मनी में एक ऐसी अंडे वाली मिठाई तैयार की गई है जिसमें 96% हवा है और सिर्फ 4% दूसरे अज्जा हैं, यानी ये हवा से बनी है और बहुत हल्की फुल्की है, इसलिए से वो लोग भी आसानी से खा सकते हैं जो कि डाइटिंग पे हैं। मिठाई तो फिर सुपरमैन ने बनाई होगी। अच्छा, हवा आधी मिठाई है सर, क्या बात है, दरख्त बह के खानी पड़ेगी। ये तो बंदा थकिया टूटा कह गया थोड़ी जी मिठाई छड़ी यार, बहुत गर्मी लगी। संत ने गल्ला होनी है, मिठाई छड़ी डाइटिंग की बात करें तो एक्टर्स को होता है कि हम अब उनकी तो एक प्रॉपर डाइट होती है, लेकिन सिंगर्स को भी करनी पड़ती है अपनी डाइट, आवाज़ उनकी जो है वो सही रहे। हाँ, आवाज़ के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और क्योंकि आज सर ने ही कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग अब ये भी देखना चाहते हैं कि लोग कैसे दिखते हैं, तो आजकल सिंगर्स भी बेचारे अब सिंगर तो आप जैसे तो प्यारे ही दिखते हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आप हो ही प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू। बाल भी आपने बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। हाँ। दूर तुसी छल्ली टाइप लग रहे हैं। सर 2020 का हमारा एक सेगमेंट है, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, साथ आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब पिक करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या फिर जनरल नॉलेज में, दैट्स योर कॉल। तो किससे स्टार्ट करें पहले? आई थिंक लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, वो लेडीज ही तैयार नहीं है, आप लेडीज फर्स्ट। सर तो ये बताइए कि चांद पर जाने के लिए दो सीट्स हैं आपके पास, मगर साथ वाला बंदा जो आपके जाएगा उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इनमें से किन को आप अपने साथ लेके जाना चाहेंगे सफर पे? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं सनम सईद और उष्णा शाह। उष्णा शाह। उष्णा शाह के साथ चांद पर, ठीक है। किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फिलहाल फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब अदनान सदीकी और जनाब फैसल कुरैशी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? नुमान एजाज साहब। नुमान एजाज साहब का। किन को आप मैसेज पे जवाब देंगे? फैसल कुरैशी साहब। फैसल कुरैशी। और किन को आप फोन बंद करके फिलहाल साइड पे रख रहे हैं? वो एक आखिरी ऑप्शन बचा है। वो कौन है? आपने ही बताया था, क्या था वो? हरीम फारूक। बस वही हैं। अदनान सदीकी साहब आप हैं वो। एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तैयार हुए हैं आप, आपकी गाड़ी में चार लोगों के लिए जगह बाकी है। कौन होंगे वो चार लोग जो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, अली जफर, फवाद खान, अहद रजा मीर और मोहिब मिर्जा। फहद मुस्तफ़ा। एक मोहिब मिर्जा। दो अली जफर। तीन आखिरी सीट है, अहद और फवाद के दरमियान मुकाबला है। अहद रजा मीर। फवाद खान आप होंगे फिलहाल गाड़ी से बाहर। ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान टाइटैनिक पर। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपको अपना, दूसरा देख के आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है सबा हमीद साहिबा और बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा अंसारी साहिबा को मिलेगी लाइफ जैकेट। बहुत सारी तालियां इमरान की। जी नताशा जी, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह।
जनाब कायम अली शाह। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज तस्वीर पड़ेगी। वो तस्वीर इनमें से आप किन की देखना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं परवेज खटक और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। ठीक है, यंगस्टर्स का सीन है ये। बताइए मैडम, आप भी टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और हमजा अली अब्बासी। हुमायूं सईद। कोई खास वजह? वो हमजा अली अब्बासी अब नहीं है ना मीडिया में। मीडिया में नहीं है, दुनिया में तो है। दुनिया में तो है ना। हाँ ये भी है, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट सेड इट। हुमायूं सईद साहब आप जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, 13-14 घंटे की, सात वाली सीट आपके खाली थी। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और आए कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। अपने साथ 13-14 घंटे के लिए आप किन को बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान असलम और कैसर पिया। आपका अपना फैसला होगा ये, आपको ले जाओ। डूब की कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरी आप देके किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं आयमा बेग और मोमना मुस्तहसन। ओहो, क्यों, किसको देना चाहूंगी? अच्छा, अगर सवाल का जवाब ना दे तो जनरल नॉलेज पे चले। जनरल नॉलेज पे जाने को नहीं जाना, जनरल बेहतर फैसला आपके। आयमा बेग। आयमा बेग, आप लाइफ जैकेट ले गई हैं, मोमना मुस्तहसन आप नहीं ले पाई। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज वेल। लेकिन आप आज आई हुई हैं और हमारे पास भी सिंगर मौजूद है, तो कैसे हो सकता है कि कुछ इकट्ठे ना हो? प्लीज सर, सर्दी कैसी है? अभी तो आई नहीं है जी। सर मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। उधर बहुत ज्यादा है। इतना कर्जा था तो पहले वाले क्या कर रहे थे लोग? ये पूछे ना, साथ बैठे किचन चला लें तो बच्चों की फीस नहीं दे पाते, वो कर लें तो बिजली का बिल आ जाता है, क्या करें? जी तो नून लीग से उदो तो बिजली का बिल कभी भी नहीं आया समझ। ऑपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने दे दिए पैसे उनको। हाँ यार, नैब ने भी तो ले ही लेने हैं। मैंने कहा ना, छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी तरक्की नहीं करने देती। वाह जी वाह, ये तो खबर की मतलब है।